हेलो, हाँ मैं आपका ही आदमी हूँ, बट वॉट टू डू, 4 बजे का टाइम दिया था और आप अभी आ रहे हो। मैं तो पिछले साल का ही काम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, आप ना अगले साल ट्राई करिए, हाँ बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कैच इट, ग्लव्स क्विक, सीजर्स। अरे एकदम कस के पकड़ रहा है, जड़ों की मिट्टी हाथ में आ रही है ना, थोड़ा ढीला करो, ढीला करो। आ जाओ सर। हेलो सर, कम आउट। हाय, कैच इट, आई विल कम। ए, तुझे ठीक से काटने आता है कि नहीं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अब तक मैंने 40 कान काट दिए, समझे? ठीक है ना, अगले साल देखते हैं ना, चीट करने का नया आइडिया देता हूँ, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है रे, कहीं से मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। इसको सूंघ, तो फिर इसको सूंघ, हटाना इसको, ये तो उससे भी ज्यादा बदबू कर रहा है। इस बस से खूबसूरत परियां उतरेंगी। परी है ये सोचकर ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि परी के ड्रेस में पुलिस वाले घूम रहे हैं, तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? हम लोग आपस में बात कर सके इसलिए मैंने एक सीक्रेट कोड बनाया है। क्या है रे? सीरियल, उधर देखो, छोटी बच्ची बड़ी बच्ची, छोटी बच्ची बड़ी बच्ची, वेरी गुड। ये थोड़ी सीनियर है लेकिन बहुत खूबसूरत है, इसे क्या बोलेंगे? मौसी। अरे कनिमनी कनिमनी, इनको देखो तुम। ये जब देखो तब दुखी रहती है यार। इतना दुखी तुम क्यों हो यार, जरा खुश रह के देखो ना। इसको भी थोड़ा दिमागी टेंशन लगता है। घर का चांद, इतनी सारी लड़कियां उतर रही हैं। गंगा यमुना सरस्वती, अरे सारी लड़कियां खूबसूरत हैं, किसको सेलेक्ट करूं, मैं कंफ्यूज हो गया यार। चैन से रहना, आपकी चॉइस, आपकी चॉइस, आपकी चॉइस। क्या यार, एक भी लड़कियां पलटकर हमें नहीं देख रही हैं। कैसे देखेंगी यार, वो सब बड़े कॉलेज की लड़कियां हैं, उन लोगों के आगे पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग ठहरे गवर्नमेंट कॉलेज के, हमें कौन भाव देगा? अपने ही कॉलेज की लड़कियां नहीं देखती, बाहर की क्या देखेंगी। हाय 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 कीर्ति, हाउ आर यू? गुड। अरे रे रे रे, कितने बंदे, कितनी गाड़ियाँ, कितने पैसे, पैदा तो इन्हें क्या है भगवान ने, हम तो वेस्ट हैं। बकवास मत कर यार, हमारे पास बाइक और पैसे हो भी ना तो भी कोई हमें पलट कर देखेगी नहीं। भाई भाई भाई, उसके लिए अलग पर्सनालिटी चाहिए, तुम्हें पता है भिखारी के कटोरे से चिल्लर चुरानी जैसी शक्ल है तुम लोगों की, और सपने दुनिया भर के देखते हो। अपने ग्रुप में अगर कोई थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखता है तो वो है बद्री। अगर किसी भी लड़की की तरफ देखेगा ना, वो लड़की इसे मना नहीं कर पाएगी, ये मेरा वादा है। गोल्ड चैन। Hey, see this guy. यार क्या कर रहे हो? I inside. Hey, this is only for model college guys, not for locals. Okay? Hey, छोड़ो ना यार, हमने जो बियर पी के बोतल फेंकी ना उसको इकट्ठा करने के लिए आया ही। नो नो, ऐसे मत बोलो यार, बेचारा कितने दिनों से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, कैंटीन में वेटर का काम करके टिप्स जमा कर करके यहाँ पे आया है। Hey, जेब में कितने पैसे दिखा? हाँ, 100 रुपीज। सर कॉफी। इधर देख, यहाँ पर काम करने वाले वेटर के पास भी इतने पैसे हैं। ए, एक काम कर, तू यहाँ वेटर बन जा, अंदर आने का मौका भी मिलेगा और इनकम भी होगी। क्या बोलता है? <Get lost. laughs> हम जैसे गरीब स्टूडेंट को ऐसी अमीर लड़कियाँ पलट कर भी नहीं देखेंगी यार। अरे क्यों नहीं देखेंगी रे, हाँ अगर कार और पैसा होता तो सारी लड़कियाँ इसके कदमों में होती। बद्रीनाथ उपाध्याय, बोनलेस चिकन रेडी रेडी। बोनलेस है क्या? इसे तो मैं ही चबाऊंगा, खाने में मजा आएगा। खाओ, डालो, खाओ, डालो। कैसा है? ए, ये क्या? चाचा जी की आंखों से पानी बहने लगी है, यानी टेस्ट फेलियर है, हम लोग चिकन नहीं खाएंगे। ओके,
क्या कहा टेस्ट? अरे हाँ चाचा जी, नमक तीखा सही है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए पहले आपको दिया था ना। अरे पापी, तुम लोगों ने मुझे चूहे का मटन खिला दिया, अच्छी खुशबू की वजह से मैंने खा लिया, ऐसा लग रहा है कि मुंह में तेजाब डाल दिया हो। कोई किसी को इतना तीखा खिलाता है क्या? आज तक कुछ अच्छा बनाया है क्या? अभी तेरी दिवाली निकालता हूँ देखना। मेरा बेटा आइए, कहाँ सर पटकू समझ में नहीं आता है। पता है तुम्हें क्या करके आए हैं जनाब? एग्जाम में नकल करते समय पकड़े गए हैं ये। इनकी गर्दन पकड़ के प्रोफेसर ने बाहर निकाल दिया इन्हें। तुम्हारा भाई है इसलिए जाने दिया है इनको। इसका भाई है इसलिए नकल भी करनी देनी चाहिए थी ना। बद्री। बद्री क्यों? प्यार से श्री बद्रीनाथ उपाध्याय मेरे पापा ने नाम रखा था इनका, लेकिन स्टाइल में उसे छोटा कर दिया, बद्री। आपको उनके प्रति प्यार है इसलिए नाम नहीं रखा है, बल्कि आपको उनके प्रति गुस्सा था इसलिए उनका नाम मुझे देकर बद्रीनाथ उपाध्याय चोर, बद्रीनाथ उपाध्याय राक्षस, चोर कमीना नालायक ऐसी गालियां देकर अपनी भड़ास निकाल रहे हो। देखा किस तरह से बात कर रही है? पापा, सारा दिन आवारागर्दी, लड़कियों को छेड़ता रहता है, बस स्टॉप पे दिन भर खड़े रहता है, सिनेमा थिएटर में मारामारी, डिस्को डांस, चोरी से सिगरेट पीता है, और इतना कम था जो दिन भर साइबर कैफे में बैठकर पता नहीं क्या देखता रहता है। खाना मिल जाता है ना खाने को, इसीलिए जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। छोटे बच्चे को खाना खाते देख उसको डांट रहे, नहीं खाना है मुझे खाना, जाओ। बद्री रुक जा, ए मेरी बात सुन। पापा, खाना खाते समय ऐसी बात करते? उसने खाना भी नहीं खाया। वो इसी के लायक है, उसे समझ में आनी चाहिए कि उसे डांट क्यों पड़ती है। हाय जानू। ऐसा लग रहा था दरवाजे पे कोई भिखारी चिल्ला रहा है। ये लड़के लोग ऐसे ही हैं, इनके आने जाने का कोई समय नहीं होता है। अंकल में चर्बी कुछ ज्यादा ही है ना? आजकल के चिकन मटन में चर्बी ज्यादा होती है, लेकिन आप में तो चिकन मटन से भी ज्यादा चर्बी है, संभालिए कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। अपने बाप को दे, कहीं उनको ना आ जाए। हाँ, लेकिन उनकी वजह से मुझे नहीं आएगा। तुझे हिंदी पढ़नी आती है क्या? हाँ, मैं पढ़ता हूँ ना हिंदी। हाँ? ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ, सोने का टाइम हो गया है, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, आजकल चोर बहुत हो गए हैं। अंकल को हाथ धोने की भी जरूरत नहीं है, चाट करी क्लीन कर दिया, अच्छे से मुंह धो लेना वरना चूहा अंदर चला जाएगा। मुझे चूहों से डर नहीं है, तुझसे डर है, समझा? ऐसे ऐसे क्या देख रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा, चल जाए यहाँ से। ओके, जा रहा हूँ। अच्छा हुआ भगवान ने ऐसा बेटा नहीं दिया मुझे। ये आवाज मत करो, टावर को जल्दी निकालो। ये लो। रुक जाओ रुक जाओ। ये लो। अरे ये चबाई क्यों नहीं जा रही? मेरा हाथ चबा गया पागल। हाथ है क्या? इसलिए इतना बदबू आ रहा था। मैंने एग्जाम में कॉपी की इसलिए मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाला। तुम लोगों की क्या तकलीफ? अरे वही तो तकलीफ है, जबरदस्ती पढ़ाई होती है क्या? सलमान खान ने पढ़ाई की है क्या? वरुण ने पढ़ाई की है? टाइगर ने पढ़ाई की? और धर्मेंद्र ने पढ़ाई की थी क्या? वो सब छोड़ो, हमारे सुपर स्टार ने पढ़ाई की है। हमारे देश में बिना पढ़े लिखे लोग तरक्की करते हैं, हम लोग बड़ा आदमी बनने का प्लान कर रहे हैं, हमारे बाप हमको क्लर्क बनाना चाहते हैं। ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? इसकी बातें सुनकर मुझे उल्टी आ रही है। अगर मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करूंगा ना तो मुझे भी तेरा ही धंधा करना पड़ेगा। अरे मेरा धंधा तुम लोगों को छोटा लग रहा है क्या? ये ले। थैंक यू। ठीक से पढ़ाई की होती ना तो आज या इस तरह बैठकर खाना नहीं खाना पड़ता, समझे? सुनो, ये सब तुम मत बोलो। तुम्हारे पापा कोई बहुत बड़े कलेक्टर है क्या? पढ़ाई करने वाला नौकरी के लिए बसों में धक्के खा रहा है। इसका बाप एक टूटा फूटा गैरेज चलाता है और ये आई है हम लोगों को सिखाने। देखो, तुम लोगों से बात करना ही जानो, प्लीज मेहरबानी करके एडवाइस देकर टॉर्चर मत करो। वो सब छोड़ो, देखो रोज चिकन खा खा के बोर हो रहे हैं। कल तुम पोर्क खिला सकती हो क्या? क्या होता है? वो भी एक जीव है, उसे भी खा सकते हैं। कैसा दिखता है? वो तुम्हारे जैसा ही दिखता है। ऐसे खाता भी है क्या? उसका अलग ही स्टैंडर्ड है। विकी रुको, ये खाना किसके लिए लेकर जा रहे हो? बद्री के लिए, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती ना। ओ, भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। है वहाँ देखो भूखे को। बहुत खुश नसीब है, आज ये अच्छा खाना खा रहा है। नहीं, उसे रेगिस्तान में भी छोड़ देंगे तो भी वहाँ खीर बनाकर खा लेगा, इतना बड़ा खिलाड़ी है वो। ए विकी, तुम्हारे भाई के दोस्तों से परेशान हो गया हूँ मैं, वो लोग शहनशाह की तरह ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। एक मिनट, बात सुन बात सुन, ये दिखा दिखा बोल रहा है, आखिर मैटर क्या है? ट्रेन को रोकने वाली लाल झंडी होती है ना। हाँ। ये उसकी बनियान बनाकर पहना हुआ है। इसमें क्या बड़ी बात है, उसके पापा तो ट्रेन की
हरी झंडे की चड्डी सिलाकर पहनते हैं। रुको रुको रुको, ए तेरे बारे में बात चल रही है और तू हंस रहा है। तुम उसके पापा का मजाक उड़ा रहे हो और वो हंसे जा रहे हैं। उसकी फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ऐसा पैदा हुआ है। अरे यार धुआं उधर छोड़ना। बस स्टॉप पे जो लड़की खड़ी है ना, वो तेरे भाई को लाइन दे रही है यार। बस स्टैंड पर क्या, अब देखना भाई को देखकर वो कैसे प्यार से हंसेगी। हाँ यार, यार। और अपना भाई देखना उसे देखकर कैसे अपनी लार टपकाएगा। हाँ यार। और वो लड़की शर्माते हुए अपने पैरों से जमीन पर कॉर्पोरेशन की तरह कैसे गड्ढा खोदेगी देखना। हाँ यार। और अब अपने भाई को देखना वो कैसे गहरी सांस छोड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही कर रहा है यार। ए तेरा बाप कहता है ना तू नालायक है, ये तू वैसे ही कर रहा है। वो कैसे रे? ये इनकी प्रेम कहानी बहुत ही पुरानी है, मैं पहले से जानता हूँ। मैं इतने दिनों से सोच रहा था ये बिल्ली दूध क्यों नहीं पी रही है, आज पता चला ये बिल्ली दूध की जगह क्वार्टर पी रही है। सच में बिल्ली है यार, उनका बस देखना मुस्कुराना लार टपकाना बस इतना ही है। कभी बातें करो, फिल्म दिखाने ले जाओ, एक पैकेट पॉपकॉर्न लेकर दोनों का हाथ उस पॉपकॉर्न में जाए और एक दूसरे को अच्छे से टच करे, ऐसा कुछ भी नहीं यार। इन लोगों का प्यार ना वेजिटेरियन लगता है। तू ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहा है? तो और क्या, उस चाइना वाली पर तूने इतनी लाइन मारी, लेकिन कुछ बात बनी? मैं बस बाल ही काटने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इस मामले में कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। जब कोई मुझे प्यार करता है ऐसा लगता है सपना देख रहा हूँ, वैसे भी मुझे कौन प्यार करेगा। मैं बस इस बात से डर जाता हूँ कि कहीं उसके बाप ने देख लिया, प्यार स्टार्ट होने से पहले एंड हो जाएगा। जैसे ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करने का सिग्नल सिग्नल मैन के पास होता है। अबे क्या बकवास कर रहा है, अब उसके बाप के पास जाकर उसका हाथ मांग लेते हैं। ये फिर से शुरू हो गया। मैं सिर्फ इस बात से डर रहा हूँ कि कहीं उसके बाप ने मुझे तोड़ दिया तो मैं उसे खा लूंगा। तू चलना, टीच मी कुंग फू। ठीक है बेटा, मैं सिखाऊंगा।